सो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ एकदम ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा धनिया पाउडर एंड जीरा। और यहाँ पे हो गया धनिया चॉप कर लिया है, टमाटर को चॉप कर लिया है, प्याज को चॉप कर लिया है और लहसुन को भी अच्छी तरीके से हमने कूट लिया है। तो अभी देखिए, हमने गैस पे पैन को गरम करने के लिए बिठा दिया है। और यहाँ पे अभी जो कि अंडे में हम लगाएंगे कट, अंडे में कट इसलिए लगाते हैं कि ये जो अंडा है ना, ये फटे ना, मतलब ये ना ब्लास्ट होने का बहुत चांस होता है। तो प्लीज़ आप सब ना अंडे को मतलब तोड़ ले या फिर कहीं से क्रैक कर ले, जिससे कि अंडा अंडे में क्रैक रहे और उससे हवा निकले और वो फटे ना। और यहाँ पे हमने तेल ले लिया है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। इसको डाल के हम क्या करेंगे, जो अंडा है उसको हम थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेंगे, ठीक है? फ्राई अगर नहीं किया ना तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए, हमें इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है, हर कहीं से फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। और गैस का जो आँच है ना, उसको कम कर लेना है, कम में, धीमी आँच में हमें फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा, तेल जल जाएगा और मसाले काले हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। क्योंकि हमें बाद में क्या करना है, इसी तेल में हमें बनाना है कड़ी को। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अंडा जो कि अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, एक प्लेट में ले लेंगे। तो ध्यान रखना कि मतलब इसमें चटकने का चांसेस रहता है, तो आप सब थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब वही सेम पैन और वही तेल, उसी में ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा और तेल डाल देना है, मतलब मस्टर्ड ऑयल को डालना है। और अभी हम डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे तरीके से चटक जाए तब तक हम क्या करते हैं, लाल मिर्च डालते हैं दो चार। आपको जितना पसंद है आप उतना डालिए, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे जीरा डाल के खाना बहुत पसंद है। तो आप कम भी कर सकते हैं क्वांटिटी, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, टमाटर को दूँगी, टमाटर को थोड़ा सा भून लूँगी मैं। और उसके बाद देखिए, थोड़ा सा भून लिया है मैंने टमाटर को। और अभी क्या करना है, जो प्याज है प्याज को भी डालेंगे, लहसुन को भी डाल देंगे। थोड़ा केयरफुली डालना है क्योंकि ये चटक रहा है। गरम तेल में कोई भी चीज़ डाले ना, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक डालें। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। और अभी इसमें क्या करना है, अपने स्वाद अनुसार नमक को भी डाल लेना है, अपने स्वाद अनुसार। बाद में नहीं डालना है, बाद में अगर कम पड़ जाता है तो हम डाल देंगे। तो अभी इससे अच्छे तरीके से तेल निकल जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, पानी डालना है। तुरंत पानी नहीं डालना है। तो देखिए, इसमें से तेल निकल रहा था तो हमने पानी डाल दिया है। और क्या किया है, हल्दी डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है एंड थर्ड डाला है हमने जीरा और धनिया पाउडर को भी डाल दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके एक अच्छा सा ग्रेवी तैयार कर लेना है। और हमें आँच को थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि हमें इसको ढक के पकाना है इस मसाले को। तो देखिए, हमें ओनली 5 मिनट के लिए इसको ढक के पका देना है। और यहाँ देखते ही देखते 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, मसाले से तेल निकलने लगा है। इसका मतलब कि हमारा एक भी मसाला कच्चा नहीं है, ना तो टमाटर कच्चा है, प्याज लहसुन कुछ कच्चा नहीं है, इसमें से कच्चा वाला स्मेल नहीं आएगा। 5 मिनट अब क्या करें, किसी भी मसाले को आप 5 मिनट ढक के इसको पकाएं लो फ्लेम में, तो आपका कोई भी मसाला कच्चा नहीं रहेगा। कभी कभार होता है कि थोड़ा सा कच्चा रह जाता है तो स्मेल आता है प्याज लहसुन का, तो ढक के पकाएं। तो अब क्या करना है, हमें इसके अंदर हमें आलू डाल देना है। आलू को हमें क्रश बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आपका ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, आलू को ना ऐसे ही रख देना है, मतलब ऐसे ही हमें पकाना है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसके अंदर एग को भी डाल देंगे। हमें इस 3 अंडों को भी हमने डाल दिया है और अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर क्या करेंगे, गरम पानी डालेंगे।
तो मेरे पास गर्म पानी है तो मैं गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ठंडा पानी है तो आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास हमेशा जो कि गर्म पानी रेडी रहता है, तो इस वजह से मैं हर चीज़ में गर्म पानी डालती हूँ। और गर्म पानी डालने से अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा उबाल आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो देखिए हमारा देखते ही देखते हो गया है अंडा कड़ी एकदम ढाबा स्टाइल ना। तो इसके ऊपर करेंगे हम गार्निशिंग धनिया पत्ता से। और हाँ, धनिया पत्ता डालना ना भूले, बहुत 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 टेस्टी लगता है। तो हमारा जो कि अंडा कड़ी रेडी हो चुका है। आप सबको कैसा लगा ये इजी इंस्टेंट अंडा कड़ी ढाबा स्टाइल, तो बताना ज़रूर। और ये घर पे ऐसे ही बना के खाना काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी गर्म मसाला ऐड नहीं किया है। कभी कभार गर्म मसाला ऐड ना ही करो तो ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करना बिना गरम मसाले का अंडा कड़ी। और ये एकदम ढाबे स्टाइल जैसा है। तो आप सबको कैसा लगा बताना ज़रूर। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय बाय।